नमस्कार दोस्तों, क्या भारत अपना T20 वर्ल्ड कप का बदला पूरा कर पाएगी? जी दोस्तों, लास्ट टाइम तब ये आमने सामने हुए थे सेमीफाइनल, तब भारत को 10 के 10 विकेट से हराया था इन्होंने। जी दोस्तों, क्या वो बदला भारत इन्हें हार कर पूरा कर पाएगी? हालांकि 90% चांसेस है कि बारिश हो जाए, और यदि बारिश होगी तो हम फाइनल तो खेलेंगे खेलेंगे, क्योंकि जो भी टेबल टॉपर रहेगा ना वो फाइनल खेलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सेमीफाइनल में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गेम स्पिरिट के अगेंस्ट है। जी दोस्तों, गेम स्पिरिट के अगेंस्ट है मुकाबला होना चाहिए, मुकाबला इन्हें अच्छा खासी पटकनी दे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड को अच्छी खासी पटकनी दे, उसके बाद भारत फाइनल में पहुंचे, तब मजा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं, बाद बाकी आप क्या चाहते हो मुझे वीडियो पर कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों, कैसे हम इस मुकाबले में जीत सकते हैं लाखों करोड़ों, सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जिस भाई ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस अपडेट आपके लिए यहाँ पर मिलेगी, फ्री गिव अवे आपके लिए यहाँ पर मिलने वाला है, और बेस्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग का वो भी आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों वेन्यू के बारे में। तो आप देखोगे यहाँ पर गुआना में मुकाबला खेला जाएगा, आमतौर पर अच्छा स्कोरिंग विकेट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा स्कोरिंग विकेट माना जाता है, दोनों ही बराबर की टीमें हैं, ऐसा नहीं कि भारत मजबूत है और इंग्लैंड कमजोर है या इंग्लैंड मजबूत है भारत कमजोर है, ऐसा नहीं है। आपके लिए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से स्कोर मैं आपके लिए अभी बताऊंगा। फिलहाल की स्थिति में आप देखिएगा, 15 मुकाबले हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 मुकाबले और सेकेंड बल्लेबाजी करते हुए 9 मुकाबले। अब दोस्तों, जो टीम टॉस जीतेगी वो सब वक्त आपके लिए पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आ सकती है। जी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कुछ ऐसे ही स्टेट्स भी बताते हैं। बात करें मेनू पर स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, तो आप देखोगे 150 यहां पर आता है दोस्तों एवरेज स्कोर, 150 निकल कर आता है, मतलब बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट है और आपके लिए काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। पेस बॉलर यहां पर 60%, तो स्पिनर यहां पर 40% विकेट निकालते हैं। बात करें 150 और 150 से नीचे, 6 बार स्कोर देखने को मिला है, 152-169 पांच बार, 170-189 तीन बार, और 190 एबव आप देखोगे यहां पर एक बार मात्र स्कोर देखने को मिला है। संभवतः जो मुझे उम्मीद है ना, इन दोनों ही टीमों में से कोई भी बल्लेबाजी करे 170-189 के समथिंग आपके लिए स्कोर देखने को मिल जाएगा, चाहे भारत पहले बल्लेबाजी करे या पहले बल्लेबाजी करे दोस्तों इंग्लैंड। तो 170-180 के अप्रोक्सीमेट स्कोर आपके लिए देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे वेन्यू पर खेले गए रिसेंट मुकाबलों के बारे में, तो वेस्ट इंडीज 173, तो युगांडा मात्र 39 रन पर आउट हो गई थी, 8 और 7 का रेशियो रहा था, 8 विकेट पेस बॉलर, तो स्पिनर को मात्र 7 विकेट मिले थे। फिर अफगानिस्तान 159 और न्यूजीलैंड मात्र 75 रन पर ऑल आउट हो गई थी, 9 और 6 का रेशियो रहा था यहाँ पर। और उसके बाद यदि आप देखोगे तो PNG 77, युगांडा 78 बनाकर चेस कर लिए थे, 10 और 5 का रेशियो रहा था। फिर अफगानिस्तान 183, तो युगांडा मात्र 58 रन। कुल मिलाकर ऐसा रहा है, एक टीम स्ट्रांग रही है तो एक दोस्तों बिल्कुल कमजोर टीम रही, इसलिए सेकंड इनिंग्स में ज्यादा कॉलेज देखने को मिला है। साथ में पेसर वर्सेस स्पिनर के बारे में, बॉलरों के बारे में चर्चा करें तो लगभग सिमिलर है, लेकिन पेस बॉलर आपके लिए बाजी मार ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 60 से 65% तक विकेट पेस बॉलर, और स्पिनर दोस्तों आपके लिए 35 से 40% तक स्पिनर आपके लिए विकेट निकाल कर देते हैं। तो एक कुछ रेशियो है स्पिनर वर्सेस पेस बॉलर का, तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग अपनी टीम तैयार कर चलनी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर रिसेंट खेले गए, सॉरी हेड टू हेड खेले गए मुकाबलों के बारे में। हेड टू हेड खेले गए 23 मुकाबले, भारत ने 12 मुकाबले, तो 11 मुकाबले जीते हैं इंग्लैंड ने, इंग्लैंड भी कहीं नहीं है, इस मुकाबले को जीतकर बराबर करना चाहेगी इंग्लैंड मुकाबले भारत से। आप देखोगे रिसेंटली जब आमने सामने हुई थी ना, तो यहाँ पर 168 भारत ने बनाए थे, 170 बनाकर चेस कर लिए थे, विराट कोहली शानदार 50 आया था, और इस वर्ल्ड कप में तो विराट कोहली के रन देखने के लिए हम तरस गए हैं। जी दोस्तों, विराट कोहली के रन देखने के लिए हम तरस गए हैं, और विराट कोहली है कि स्कोर नहीं कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या शानदार परफॉर्मेंस, 63 रन 0 विकेट, अर्शदीप सिंह को भी विकेट नहीं मिला था, जॉस बटलर 80 रन, और आप देखोगे यहाँ पर एलेक्स हेल 86 रन, यही वो मुकाबला है। जी दोस्तों, यहाँ पर विकेट कोई नहीं गिरा था, 0 विकेट था यहाँ पर, क्रिस जॉर्डन 3 विकेट और आदिल रशीद को 1 विकेट मिले थे। तो सभी के सभी इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे, जो प्लेयर पूरे दिख रहे हैं ना पूरे खेलेंगे, और एलेक्स हेल्स नहीं खेलेंगे।
जिन्होंने 86 किए थे और 168 का रन विदाउट विकेट के चेस किया था, यही मुकाबला है। क्या इसका बदला भारत ले पाएगी या नहीं, आप मुझे वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। इंग्लैंड 215 बनाए थे, भारत 198, मतलब रिसेंट के दोनों ही मुकाबले भारत हारी है। डेविड मिलान नहीं खेलेंगे, लियाम लिंगविस्टन 42 रन 0 विकेट, रिस टोपली 3 विकेट और क्रिस जॉर्डन 2 विकेट। जॉर्डन कॉमन नाम निकल कर आ रहा है, सूर्य कुमार यादव का शतक आया था यहाँ पर, अय्यर नहीं है, रवि बिश्नोई नहीं है और हर्षल पटेल भी नहीं है, तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव है यहाँ पर जो स्कोर किए थे रिसेंट मुकाबलों में से। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों माय फेवलियन के बारे में। जिस भाई ने भी डाउनलोड नहीं किया हो वो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड डालना है, जैसे ही आप कोड डालोगे आप हमारे माय फैमिली के और ना केवल दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट क्लेश के और अपितु माय फैमिली उनके भी आप मेंबर बन जाओगे, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इसमें आपके लिए यस या नो, जी हाँ दोस्तों आपके लिए सिर्फ प्रेडिक्ट करना है क्या आज के मुकाबले भारत जीतेगी या इंग्लैंड। आप सिर्फ सिंपली क्वेश्चन का आंसर देकर दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा विन कर सकते हो। सेकेंड आप देखोगे लोएस्ट एंट्री फीस है, इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी और आपको GST नहीं देना है, आपकी तरफ से GST हम देंगे और उसके अलावा सेकंड इनिंग्स फैंटेसी भी है। तब इतने सारे फीचर्स एक एप्लीकेशन में है तो आप क्यों ट्राई नहीं करते, ट्राई कर देख लीजिएगा क्या जा रहा है। वैसे भी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो ना, एक बार मेरे कहने से यहाँ पर इन्वेस्ट कर देख लीजिएगा। आपके लिए बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा तब आप मुझे बताइएगा, बहुत शानदार एप्लीकेशन है, आप एक बार जरूर से ट्राई कर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दोनों ही टीमों की संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर, हेड टू हेड और वेन्यू पर रिकॉर्ड। रोहित शर्मा लास्ट मुकाबले में क्या इन्होंने इनिंग्स खेली, थोड़े सेल्फिश हो जाते तो शतक भी ये लगा सकते थे, यहाँ पर सेल्फिश नहीं हुए। और हालांकि किया लेफ्ट आर्म पेस बॉलर ने आउट, वो कैसे ही किया हो, भले एक ओवर में 4 छक्के 1 चौके खाने के बाद आउट किया हो, लेकिन किया लेफ्ट आर्म पेस बॉलर ने। और इससे पहले 150 और आई थी, लेकिन ये धुआंधार और ताबड़तोड़ खेलने के लिए जाने जाते हैं। और याद रखिएगा एक बात याद रखकर चलिएगा, रोहित शर्मा यदि टिक गए ना 10 ओवर तो लगभग शतक या 90 के आसपास पहुंच ही जाएंगे, तो आप इन्हें ले सकते हो। और रिस्की ऑप्शन है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। हेड टू हेड आप देखोगे तो 35 के एवरेज है वेन्यू पर, एक मुकाबला इनका 64 रन है। फिर विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म इनका नहीं दिखा है, जी हाँ दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में 37 इनका हाईएस्ट आया है, जो कि सेकंड लास्ट मुकाबले में आया था, और इससे पहले आप देखोगे तो 0 रन। फिर आप देखोगे हेड टू हेड 45 के एवरेज है वेन्यू पर, ये मुकाबला नहीं खेले हैं, कुल मिलाकर इंपोर्टेंट प्लेयर है। और मैं भले ही ये नहीं चल रहा है फिर भी सेफ ऑप्शन कहूंगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का। ऋषभ पंत हर एक मुकाबले में स्कोर कर रहे हैं और लास्ट मुकाबले में भी विकेट फेंका है, इससे पहले कि दोनों ही मुकाबलों में रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए थे, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है। हेड टू हेड आप देखोगे मात्र 20 का एवरेज है, वेन्यू पर 14 का एवरेज है, फिर भी इंपोर्टेंट प्लेयर है, डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो और हमारे आज के ट्रंप कार्ड प्लेयर रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों ऋषभ पंत हमारे ट्रंप कार्ड प्लेयर रहने वाले हैं आज के मुकाबले में, याद रखिएगा 3 ट्रंप कार्ड बताऊंगा, वो बड़े इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव 31-53-50, मतलब 3 इनिंग्स इनकी ठीक ठाक आई हैं और इनके खिलाफ रिसेंटली एक मुकाबले में शतक भी लगाकर आ रहे हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं बॉलर तो पसंद है इनके। जी हाँ दोस्तों इसलिए सूर्य कुमार यादव को टीम में लेना बनता है। हेड टू हेड 45 का एवरेज है और वेन्यू पर भी इन्होंने 45 का ही स्कोर किया है, इंपोर्टेंट प्लेयर है, डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, हो सकते हैं। शिवम दुबे दोस्तों जो उम्मीद की जा रही थी ना दुबे से एज अ फिनिशर बहुत शानदार बल्लेबाजी करेंगे, वैसी कोई बल्लेबाजी इन्होंने की नहीं है, सिर्फ ग्रैंड लीग की चॉइस है, स्मॉल लीग में आप इन्हें अवॉइड कर चलिएगा। हार्दिक पांड्या ए स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों की ही चॉइस है, 27 रन 0 विकेट, 50 रन 1 विकेट, 32 रन 0 विकेट, फिर 2 विकेट, और यहां पर आप लगातार देखोगे स्कोर भी इन्होंने किया है, उसके अलावा विकेट भी इन्होंने निकाले हैं। हेड टू हेड भी आप देख लेते हैं, 31 के एवरेज है और 15 विकेट है 14 मुकाबलों में, और वेन्यू पर 20 रन और 1 विकेट है। तो आज के मुकाबले में आपके लिए जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की एक रिस्की ऑप्शन है ना, उनमें हार्दिक पांड्या का भी नाम ऐड कर दीजिएगा। रविंद्र जडेजा ग्रैंड लीग की चॉइस है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस इनसे कोई आया ही नहीं है अभी तक, इन्हें हम अपनी टीम में रखें। अक्षर पटेल इन्होंने विकेट जरूर निकाले हैं, हर एक मुकाबले में ऑलमोस्ट अक्षर पटेल ने विकेट निकाले हैं। हेड टू हेड 3 मुकाबले 24 रन है, विकेट नहीं है, और वेन्यू पर 1 मुकाबले में 13 रन 0 विकेट है। तो वेन्यू पर और भले हेड टू हेड इतने अच्छे स्टेट्स ना दिख रहे हो, लेकिन अक्षर पटेल आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब आप देखोगे जसप्रीत, कुलदीप, अर्शदीप, ये तीनों के तीनों आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों तीनों के तीनों बहुत इंपोर्टेंट है, और रीढ़ की हड्डी यदि हम कहें ना भारतीय टीम की, तो आप इन्हें
बिल्कुल बोल सकते हो। जसप्रीत बुमराह का आप देखोगे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट भी तो ले ही रहे हैं। उसके बाद यदि आप देखोगे हेड टू हेड इनका चार मुकाबलों में 7 विकेट है, वेन्यू पर एक मुकाबले में 1 विकेट है। उसके बाद कुलदीप यादव 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, तीन ही मुकाबला खेले हैं और 7 विकेट इन्होंने निकाल दिए हैं। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 5 विकेट हैं। फिर अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह को तो विकेट भी मिल रहा है, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, मतलब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 2 विकेट हैं और वेन्यू पर 1 मुकाबले में 2 विकेट है। कुल मिलाकर आपके लिए इनकी तरफ से जो भारत की तरफ से इंपोर्टेंट प्लेयर निकलते हैं वो आप 1 मिनट देख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, चारों के चार इंपोर्टेंट है। फिर आप देखोगे एक हार्दिक पांड्या, 5 इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखोगे 1, 2, 3, 5, 3, 8 ऐसे प्लेयर हैं भारत की तरफ से जिन्हें आप ट्राई करके चल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 8 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें अपनी टीम में ट्राई कर चल सकते हो। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड के बारे में चर्चा की जाए तो फिलिप साल्ट दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म दिखाया है और अपनी ताबड़तोड़ इनिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं, इसलिए रिस्की ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। और हमारे अगले ट्रंप कार्ड यही रहने वाले हैं, सेकंड नंबर के ट्रंप कार्ड हमारे यही हैं। उसके बाद हेड टू हेड देखोगे कोई खास नहीं है, वेन्यू पर इनका 78 का एवरेज है, वेन्यू पर बहुत अच्छा खेले हैं तो बिल्कुल आप इन्हें ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद जॉस बटलर, जॉस बटलर आप देख रहे होगे ना यहां से फॉर्म में नहीं देखे लेकिन लास्ट मुकाबले में जो इनिंग्स खेलकर आए ना 83 रन की, भले ही छोटी टीम के खिलाफ आई लेकिन जॉस बटलर ने फॉर्म में वापसी की है और क्या आज के मुकाबले में भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आज के मुकाबले में भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं वो देखना पड़ेगा। हेड टू हेड 33 का एवरेज है और वेन्यू पर भी 33 का एवरेज है और सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सेफ ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप इन्हें दे सकते हो। फिर आप देखोगे जॉनी बेयरस्टो 1 मुकाबले में ही स्कोर किए, हालांकि 31 के आगे स्टार्ट मिला था फिर 48 किए, लेकिन जॉनी बेयरस्टो मुझे थोड़े आउट ऑफ फॉर्म तो लगे हैं। जी हां दोस्तों, टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म तो मुझे लगे हैं तो कहीं ना कहीं और स्पिनर भी नहीं फंसाएंगे, इसलिए जॉनी बेयरस्टो को आप अवॉइड कर भी चल सकते हो। आप देखोगे हेड टू हेड जॉनी बेयरस्टो को 28 का एवरेज है और वेन्यू पर ये मुकाबला नहीं खेले। हैरी ब्रुक, अब हैरी ब्रुक और दोस्तों मोइन अली के बैटिंग ऑर्डर में होगा ऊपर नीचे, कभी मोइन अली को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजेंगे तो हैरी ब्रुक को नंबर 5 पर भेजेंगे। अब हैरी ब्रुक को आप देखोगे 53-47, मतलब अच्छे फॉर्म में ये भी है, बल्लेबाजी नहीं आई है वो अलग बात है। हेड टू हेड भारत के खिलाफ 18 के एवरेज है और वेन्यू पर भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंपोर्टेंट प्लेयर कहूंगा। और दोस्तों मेरे ये तीसरे ट्रंप कार्ड है ना वो हैरी ब्रुक ही रहने वाले। उसके बाद आप देखोगे मोइन अली को, मोइन अली कुछ खास तो अभी तक नहीं किया है, एक तुक्का ही है तो तुक्का है लगा लीजिएगा क्योंकि भारत के खिलाफ ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, 7 मुकाबलों में 6 विकेट हैं इनके और वेन्यू पर 2 मुकाबलों में 1 विकेट है तो ठीक ठाक ऑप्शन है, आप इन्हें एक तुक्के में ट्राई जरूर कर सकते हो। लेकिन ऐसा मैं स्टेबल प्लेयर नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप क्या करें, भारत के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, मान लीजिएगा 1 विकेट निकाल गए प्लस में 25-30 रन कर गए तो अपना इनका काम तो हो गया ना, इसलिए इनको लेना टीम में मजबूरी बन सकती है। लियाम लिंगमस्टन गेंदबाजी ये करेंगे, जी हाँ दोस्तों गेंदबाजी करेंगे, विकेट निकालना है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों ही गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है ना बल्लेबाजी करना वो नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजी तो कर रहे हैं, मेन काम जो बल्लेबाजी करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। हेड टू हेड आप देखोगे 28 रन है और 1 विकेट है, वेन्यू पर 82 रन और 0 विकेट है। ग्रैनलिक की बहुत अच्छी चॉइस है, स्मॉल लीग में आप ऑल कर चल सकते हो। सैम करन ने लास्ट मुकाबले में यूएसए के खिलाफ इनके विकेट आए थे, इससे पहले आप देखोगे विकेट नहीं आए थे, भले ही रन आ गए थे एक मुकाबले में उसके साथ 2 विकेट आए थे। हेड टू हेड 8 मुकाबलों में मात्र 9 का एवरेज है और वेन्यू पर भी इतना कुछ खास नहीं है। अब नाम आता है जोफ्रा आर्चर का। अब आर्चर दोस्तों क्या किस पर तीर चलाएंगे, लास्ट मुकाबले में विकेट नहीं मिले इतनी सड़ी सी टीम के खिलाफ, इससे पहले 3 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट, ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। हेड टू हेड 5 मुकाबले हैं, 7 विकेट है और वेन्यू पर नहीं है। उसके बाद आदिल रशीद 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ठीक ऑप्शन है लेकिन भारत के खिलाफ संभवतः इतना अच्छा साबित ना हो। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं क्या बोलते हैं भारत के खिलाफ, तो देखोगे आप 11 मुकाबलों में मात्र 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं तो भारत के खिलाफ मैंने बताया था ना इतना अच्छा साबित ना हो। क्रिस जॉर्डन, ये बंदा क्या है कि इतनी गेंदबाजी अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्रिस जॉर्डन मुझे हमेशा से अच्छा गेंदबाज नहीं लगा, लेकिन क्या करता है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है और बल्लेबाज इस पर जाते हैं रन बनाने के लिए तो वहां पर मिलते हैं इन्हें विकेट। जी हाँ दोस्तों, आप देखोगे लास्ट मुकाबले में 4 विकेट, इससे पहले 1 विकेट, लेकिन भारत के खिलाफ इनके स्टैट्स देखोगे ना 15 मुकाबलों में 27 विकेट हैं, लगभग ऑलमोस्ट 2 विकेट 1 मुकाबले में। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के दुश्मन है रिस टोपली, टोपली को विकेट नहीं मिले पूरे टूर्नामेंट, लेकिन यदि शुरुआत में स्विंग मिलती है ना
तभी टफ हो जाएंगे। हेड टू हेड दो मुकाबले हैं, चार विकेट हैं, उसके बाद मार्क वुड खेलेंगे, तो अपडेट में आपके लिए टेलीग्राम पर करूंगा। अब यदि बात की जाए इनकी तरफ से इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे में, वन टू, उसके बाद जोरफा आर्चर थ्री, मोइन अली को आप रख सकते हो फोर, और उसके बाद आप देखोगे तो हमारा कहां गया, जोरफा आर्चर हो गया, और एक क्रिस जॉर्डन को आप रख सकते हो, एक दो तीन चार पांच। अब दोस्तों जिन पर आप रिस्क ले सकते हो इनकी तरफ से, वो प्लेयर कौन है, हैरी ब्रुक, जॉनी बेरिस्टो, जॉनी बेरिस्टो के बाद आप दोस्तों मोइन अली तो इंपोर्टेंट में हमने रख ही दिया है, इन पर आप रिस्क लेकर चल सकते हो, ऐसे दो प्लेयर हैं। खैर आप टेंशन में लीजिए, आपके लिए फाइनल टीम विद कैप्टन वाइस कैप्टन टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल की स्थिति में मैंने आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन रखे हैं। सबसे पहले आप देखिएगा सेफ ऑप्शन, विराट कोहली, जोस बटलर और सूर्यकुमार यादव, ये मेरी तरफ से सेफ ऑप्शन है। इनमें से दोस्तों हालांकि विराट कोहली का फॉर्म अभी नहीं है, लेकिन विराट कोहली इतने बड़े बल्लेबाज हैं, तब स्कोर करेंगे, अकेले ही स्कोर करेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। रिस्की ऑप्शन में रोहित शर्मा, इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तो आकर ऐसे खड़े हो जाते कि आप फेंको मैं मारूंगा। उसके बाद फिर आप देखोगे फिलिप साल्ट है और हार्दिक पांड्या, ये दोस्तों आपके लिए रिस्की ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या चूंकि बैटिंग ऑर्डर में यदि शुरुआत से विकेट नहीं गिरे ना, तब इनकी बल्लेबाजी ना आए और बॉलिंग में विकेट एक आधा मिलेगा, इसलिए मैंने दोस्तों इन्हें रिस्की में रखे हैं। एक और बंदा है ऋषभ पंत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको जॉनी बेरिस्टो के साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हो। खैर हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन आपके लिए मैं जो फाइनल टीम है अभी आपके लिए मैं दिखा देता हूं। जो फाइनल टीम आएगी वो तो आपके लिए टेलीग्राम पर ही आएगी। यहां पर आप देखिएगा जॉस बटलर, फ्लिप साल्ट और ऋषभ पंत हैं, फिर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और जॉनी बेरिस्टो हैं। बेरिस्टो को मैंने यहां पर ट्राई किया, यहां पर आप इन्हें अवॉइड कर हैरी ब्रुक को ट्राई कर सकते हो। फिर आप देखोगे हार्दिक पांड्या है, मोइन अली को भी ड्रॉप कर एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर या स्पिनर कुलदीप यादव को ले सकते हो। यहां पर जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर, अभी आप एक कॉम्बिनेशन है, जो फाइनल कॉम्बिनेशन आएगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।